हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक डबल सेवन का कमोड है, वन सेट कमोड है ये। उसका जो बल्क है उसका अंदर पानी ठीक से नहीं भर रहा है, तो आपको क्या करना है, ये है, ये फ्लश करने का फ्लश बॉल है। ये हाफ फ्लश है कि फुल फ्लश है, और ये जो ये पानी को कंट्रोल करता, पानी यहाँ से इन होता आउट जहाँ ये और बंद होता। और इसमें कुछ कचरा फंस गया तो या तो कुछ डस्ट आके अंदर भरा तो ये पानी नहीं आता। आप इसको कैसे खोल के क्लीन करना इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपको जो भी प्लम्बिंग का टेक्निक है आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको क्या करना है, ये जो बल्कक है इसका जो एक कवर है ऊपर का कवर, जिसको आराम से निकल जाएगा, थोड़ा हाथ से इसको निकाल देना है। और इधर एक देखो लॉक है, ये जो लॉक है ये लॉक का आपको आराम से पकड़ के खींच देना है। ये अभी ये लॉक खुल गया है। अब ये आप चाहे तो पानी का लेवल बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इसको खोलने के बाद आपको इसे घुमा करके आपको लेवल कम करना है, ज़्यादा करना है। अब इसको ये दोनों तरफ दो देखो दो स्टिक है, उसको लेफ्ट की तरफ घुमाना है। इसको लेफ्ट की तरफ घुमाए तो ये खुल जाएगा। अभी खुल गया है। अभी देखिए, ये इधर एक वाशर रहता है और यहाँ पे एक छोटा सा होल है, इसमें अगर कचरा फंस गया तो उसमें पानी आपको भरेगा नहीं, इसलिए इसको खोल के थोड़ा ये वाशर को खोल के क्लीन कर देना है। और आपको पानी चालू करके देखना है ये होल में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये फ्लश बल्ब को नीचे से खोल के इसको क्लीन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे कुछ कचरा फंसा रहता है तो आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर इसको क्लीन कर दिया, वाशर को खोल के क्लीन कर दिया तो पानी बराबर आ जाएगा। फिर आपको सेट करने के लिए जो ग्रिप है और ये जो फ्लास्क का कंट्रोलर है, जो अपना बल्क का कंट्रोलर है, जिस तरफ रहेगा उसी तरफ इसको रख के इधर भी ग्रिप बना हुआ है चारों तरफ, सेम उसको ग्रिप में ऐसे ही आपको अंदर डालना है। ऐसे डालने के बाद फिर इसको आपको राइट की तरफ घुमाना है। अब ये घूम गया, ये लॉक हो गया। अब आप इसको रख के फिर ये लॉक को लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो इधर के रबर लगा हुआ है, ये जो होल पे पानी को बंद कर देता है, जिसके वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है। फिर आपको ये लॉक को ऐसे फिट कर दिया तो ये काम करेगा। अगर इसको खोलने के बाद अगर इधर से पानी नहीं आया, अगर उसको आपको खोलने के बाद पानी नहीं आया, तो फिर आपको क्या करना है, नीचे से कनेक्शन पाइप खोल देना है। इसको ऐसे फिट कर देना है। ये खाली ऊपर का कवर है, आपको उसको लगा के थोड़ा प्रेस कर दिया तो रुक जाएगा। फिर आपको ये बल्क को खोलने के लिए इसका नीचे से कनेक्शन पाइप खोल के फिर ये बल्क का पे नीचे लगा रहता है स्क्रू, जो चेक नट टाइप का रहता है। अब ये खुल गया। इसको बाहर लाके यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कचरा फंस जाता है, जो भी पानी में जो कचरा आता है यहाँ पे स्टोरेज होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से पानी इसमें नहीं आता है। इसलिए आपको खोल के इसका अंदर फ्रेश करके पानी मारे तो इधर ये देखो इसका अंदर जो कचरा होता है ये साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद, इसको साफ करने के बाद फिर आपको बाहर से ही आपको कनेक्शन पाइप चालू करके देखिए, पानी अगर बराबर आ रहा है तो फिर आपको लेके अंदर जो कमर का अंदर उसका स्ट्रेट ऐसे रख के इसको वाशर और एक चेक नट देकर फिर टाइट कर देना है। तो इसी तरह का ये क्लीन करना पड़ता है। ये फिलहाल तो अभी ये नया है, मैं अभी इसको फिटिंग कर रहा हूँ।
और ये फिटिंग हो गया और ये पाइप को इसके अंदर डलवाएगा। तो ये लीकेज ये ठीक से काम करेगा। कभी भी बल्बों को खोलना है फ्लश का तो इसी तरह का खोल के क्लीन कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, थोड़ा आराम से ठीक से देखे तो आपको इसको खोल के क्लीन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही हमारे चैनल को। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। हम नेक्स्ट इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आएंगे।